नमस्कार। अगर आपको जिंदगी से प्यार है तो आपको समय से भी प्यार करना होगा, समय को भी प्यार देना होगा, क्योंकि अगर आपने वक्त से प्यार नहीं किया तो कभी वो जिंदगी नहीं मिल पाएगी आपको जो आप पाना चाहते हैं या जो जिंदगी में आप बनना चाहते हैं। तो अपने समय का सम्मान कीजिए, समय को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश कीजिए, और आपके तारे आपके समय को सही ढंग से प्लान करने का ही दूसरा नाम है। ज्योतिष गुरु आपको आज बताएंगे कि आपको आज के दिन को कैसे प्लान करना है, आज के समय को कैसे प्यार करना है। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंचांग, फिर जानेंगे राशियों के बारे में। आज 9 सितंबर 2019 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। भादो का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। एकादशी तिथि है देर रात 12:31 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है सुबह 8:36 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे 3:12 पर। आज पद्मा एकादशी है, भद्रा है सुबह 11:33 से देर रात 12:31 तक। फूल डोल महोत्सव है और जल झूलनी मेला है। मेष और वृषभ, दिन कैसा रहेगा? दिन वैसा रहेगा जैसा आप बनाएंगे। जी हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि आपकी जिंदगी की कमान बहुत हद तक ऊपर वाले ने आपके ही हाथ में दे रखी है। अब उस कमान को खींचना कैसे है ये आपको ज्योतिष गुरु बता देते हैं। तो बस समझिए आज के दिन को, क्या करना है क्या नहीं करना है वो नोट कीजिए और आज का दिन शानदार बनाइए आप सब। लेकिन शुरुआत मेष और वृषभ से। मेष राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत लुभा रहा है। निजी जीवन में रिश्तों की खुशियां भी बनी हुई है। हर तरह से सुख है जो आपको बनाए रखना है। ऐसे में जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी मेहनत भी बनी रहे तो सोने पे सुहागा। क्या करना चाहिए इस समय में? लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं इस बारे में ध्यान देना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफदारी करें तो आपको उनकी बात को सुनना भी होगा और समझना भी होगा। हालात सुखद बने रह सकते हैं पर कोई ना कोई कमी भी है जो विचारों के मतभेद पैदा कर सकती है। इस चीज को संभालने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में ऐसी स्थिति ना बनने दें कि आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएं और आपके अपने पीछे रह जाएं। पूरी तरह का सुख का आभास तभी बन पाता है जब आपके अपने आपके साथ हों। इसलिए किसी भी तरह के तकरार को अपने मन में जगह ना बनाना दें। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि मन की परेशानियों के पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है जो इंसान को सही दिशा में बढ़ने की मदद करती है। आपके लिए तो बहुत सारी अच्छाइयाँ एक साथ बनी हुई हैं। इस चीज़ के बावजूद कि आपका मन परेशान, उन अच्छाइयों की ओर देखिए और जिंदगी के सुख और सुकून को बनाए रखिए। रिश्तों के प्रति आपकी बनती हुई लगन लोगों की नज़रों में आपके कद को और ऊंचा कर देगी। क्या करना चाहिए समय में? लोग आपके प्रति बहुत सारी सूझबूझ बनाए हुए हैं। इसी चीज़ का अच्छा असर यह है कि जो लोग पहले आपके खिलाफ थे अब वो भी आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं और आपकी तरफदारी कर रहे हैं। इसी तरह के सुखद हालात जिंदगी में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए मददगार होते हैं। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी की चुनौतियों को इस समय किसी कमी की नज़र से ना देखें बल्कि उसे इस रूप से समझें कि ये चुनौतियां आपको बड़ी सफलता पाने का रास्ता दिखा रही है। हालात कैसे भी क्यों ना हो पर अपने मन को दुखी करके अपनी मानसिकता को बिगाड़ते चले जाना भी ठीक नहीं। देखिए, हालात भले ही विपरीत हों लेकिन आपको अपनी मानसिकता नहीं बिगड़ने देनी है, दुखी नहीं होना है ज़्यादा। हमें आगे बढ़ना है और लेना है सवाल रेशमी कुमारी का। बोकारो स्टील सिटी में जन्म हुआ है 8 मार्च 1998 8:50 पर सुबह। आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है 8 साल से जो ठीक नहीं हो पा रही है। अभी MSc फर्स्ट ईयर में है मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ, एयर होस्टेस की प्रिपरेशन कर रही हैं। क्या एयर होस्टेस बन पाएंगी ये जानना चाहती हैं। रश्मि, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है राहु की 2022 तक। MSc फर्स्ट ईयर में है, मैथ्स ऑनर्स कर रही है लेकिन पढ़ाई में मन हटता चला जा रहा है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। वैसे भी आपने कहा कि आप एयर होस्टेस बनने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि वो प्रयास ज़रूर रखिए क्योंकि उसका एक अच्छा योग है, आपको 2020 में जॉब मिल सकती है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक अपने पढ़ाई में मन लगाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। मन को हटा लेना किसी भी चीज़ से फिर आगे के रास्ते बंद कर देता है। और जो जॉब मिल रही है आपके लिए उसके बारे में भी सोचिएगा 2020 में। देखिए, 2020 में आपको जॉब मिल सकती है। अब मुश्किल यहाँ पर यह है कि पढ़ाई से थोड़ा सा मन आपका हटता चला जा रहा है, आप समझ रही होंगी। मन को लगा लीजिए क्योंकि अच्छा समय आ रहा है, लेकिन तभी अच्छा समय अच्छा फल देगा जब पढ़ाई की सारी कमियों को आप दूर कर चुकी होंगी, और आप कर लेंगी हमें पूरा भरोसा है। सवाल लेते हैं। सवाल जिनका है उन्होंने कहा है कि उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, तो चलिए हम आपकी बात का पूरा सम्मान करते हैं। डिटेल्स ये हैं, ध्यान से सुनिएगा। 22/5/1988 पटना 10:30 सुबह इनका जन्म हुआ है।
सवाल सर इनका यह है कि इनकी बड़ी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, ये डिटेल्स इन्हीं के हैं। बड़ी बहन की शादी ना हो पाने की वजह से इनकी रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जिनको पसंद करती हैं या जो परिवार इन्हें पसंद करता है वो चाहता है शादी करना, लेकिन तब तक शादी नहीं हो सकती जब तक इनकी बड़ी बहन की शादी ना हो जाए। थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है, क्या सलाह है इनके लिए? आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है शनि की मई 2022 तक। क्योंकि बड़ी बहन की शादी नहीं हो पा रही इसलिए आपकी भी शादी नहीं हो पा रही और आपका जो रिश्ता है उस पर असर आता चला जा रहा है, तो आप इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि क्या होगा और आपकी शादी कब होगी। देखिए आपकी शादी का समय बनता है जी जून जुलाई 2020 में या आगे चल के जून जुलाई 2022 में। तो अब आपको और आपके परिवार को ये कोशिश करनी होगी कि आपके बहन की पहले शादी हो जाए जैसा कि आप भी चाह रही हैं और फिर आपकी भी शादी हो जाए, और इस समय से पहले आपकी बहन की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है ताकि आपको भी और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। देखिए आपकी शादी के दो समय हैं, एक तो जून जुलाई 2020 फिर जून जुलाई 2022। अब यहाँ पर आपकी कुंडली से तो यही पता चल सकता है क्योंकि बहन की डिटेल्स आपने अभी तक भेजे नहीं हैं, तो अब ये आपको समझना होगा कि इन दोनों समय में कौन सा समय आपके लिए फेवरेबल है। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इस मुश्किल वक्त से जल्द निकल पाएं। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी, तो कैसा है आपके लिए आज का दिन, क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय और उस मेहनत का अच्छा फल निजी जीवन की खुशियों के रूप में आपको भरपूर मिल सकता है। ये और बात है कि आपको लोगों की अच्छाई को हर तरह से समझना होगा। कभी कभी जिंदगी हम सबके साथ आंख में चौली खेलती है, अगर कोई कमियां हैं तो उन्हें भी सहजता से स्वीकार करने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज से जुड़े हालात सुधारे जा सकते हैं इसलिए अपने मन में बिठाए हुए असंतोष पर काबू पाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, पर ऐसी किसी भी कमी को अपनी अच्छाई से सुधारा भी जा सकता है। क्या ना करें इस समय में, आपके सामने कई ऐसे विकल्प हैं जो आपकी मेहनत को उजागर कर सकते हैं, ऐसे किसी मौके को हाथ से ना जाने दें इसलिए लोगों की किसी बात को लेकर आप व्यर्थ में परेशान भी ना होते चले जाएं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति हर तरह से मददगार है, यहाँ तक कि आप अपने पैसे से जुड़ी सही योजना भी बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप अपनों की भी हर तरह की जरूरतों को पूरा कर सकें। क्या करना चाहिए समय में, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको हर तरह से मदद मिल सकती है और अपना भविष्य बनाने के रास्ते में आप तेजी से आगे बढ़ भी सकते हैं। क्या ना करें इस समय, अच्छी भली स्थिति के चलते भी आपके मन में बहुत सारी घबराहट है जिसे संभालना बहुत जरूरी है। उन रुकावटों से दुखी ना होते चले जाएं जो इस समय आपके मन में हलचल मचा रही। देखिए रुकावटों से दुखी होने से काम नहीं चलेगा, रुकावटों को दूर करने से काम चलेगा। सिंह और कन्या राशि अब आपकी बात करते हैं। सिंह राशि वाले समझ ले कि कुछ भी करने के लिए मन में भरोसा बनाए रखना बहुत अच्छी बात, पर जरूरत से ज्यादा भरोसा बनाने से भी नुकसान हो जाता है इसलिए आपको अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा, क्योंकि ऐसे ही विचार किसी रिश्ते में कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय, हर रूप से हालात आपका साथ दे रहे हैं पर रिश्तों के प्रति थोड़ी सी मुश्किलें बनी रहे, ऐसा हो सकता है इसलिए लोगों के विचारों को भी समझना होगा ताकि अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को भी दूर किया जा सके। क्या ना करें समय में, अपनी अच्छी भली पैसे की स्थिति को किसी सही दिशा में लगाने में कोई कमी ना आने दें। अगर कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं तो भी उन चुनौतियों को समझें जो ऐसी किसी भी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है। कोई अच्छा कदम उठाने के प्रयास में अपनी कोशिशों को कमजोर करते चले जाना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के लिए कुछ हद तक नुकसान की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से तकदीर को आजमाना ठीक नहीं। एक और तो आप घर परिवार में अपनों की हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, दूसरी ओर आपकी बचत बिखरती चली जा रही है जिस वजह से उस मदद को करना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ छेड़ते चले जाने से बचना होगा ताकि केंद्रित रूप से एक एक चीज़ को संभाला जाए और उसका पूरा फायदा भी उठाया जाए। फजूल खर्च होते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। क्या ना करें समय में, किसी एक तरफा विचार को लेकर इतना भी मन ना बनाए कि आपके लिए नुकसान की स्थिति पैदा होती चली जाए, इसलिए अगर किसी भी तरह का असमंजस है तो उसके खिलाफ चलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपनी अच्छी भली कामकाज की स्थिति को किसी भी तरह की मुश्किलों में डालकर अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं। अच्छी भली कामकाज की स्थिति बनी हुई है, उसको अपनी ही तरफ से क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं आप, ये मत कीजिए। सवाल लेते हैं, सवाल है प्रियंका नागराज का। 23 जुलाई 1994 4 बजे शाम को झांसी में हुआ है जन्म, एमए मैथमेटिक्स से इन्होंने किया हुआ है।
ये एक्चुअली प्रीति ने सवाल पूछा है प्रियंका के लिए, जो कि प्रीति की बड़ी बहन है। उनकी जॉब कब तक लगेगी, रेलवेज में उन्होंने ट्राई किया है, और शादी का शुभ संयोग कब तक है? प्रीति, आपने अपनी बहन प्रियंका के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में, उसकी शादी के बारे में। प्रियंका की कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है केतु की दिसंबर 2019 तक। जॉब मिलने का समय अभी आया नहीं है, समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा खुद को और ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तैयारी में कुछ कमी रही है, उसे और मजबूत कर लीजिए, फ़ायदा होगा आगे चल के। फिर भी जुलाई अगस्त 2020 में जॉब लग सकती है। आपने शादी के बारे में पूछा, देखिए जॉब लेके कैरियर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, शादी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जा सकता है, इसलिए पहले उस प्राथमिकता को समझें। वैसे शादी हो सकती है अब से 2 साल के। जुलाई अगस्त 2020 में आपका करियर बन सकता है, शादी 2 साल बाद। तो अभी पूरे परिवार को और आपको सबको कोशिश करनी है कि करियर पर ध्यान दिया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है आज। अब सवाल है खुशबीर का, दिल्ली से। 27 जुलाई 1961 खुशबीर जी का जन्म हुआ है, 2:38 AM दिल्ली में ही। बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कब तक बिजनेस ठीक होगा और अपना घर कब तक हो पाएगा? खुशबीर जी, आपकी कुंडली है वृषभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा भी चल रही है शनि की June 2021 तक। कब तक बिजनेस में सुधार होगा, एक तो सवाल आपने ये पूछा है, फिर उससे जुड़े हुए सवाल भी हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगी। देखिए आने वाले 4-5 महीने का समय अच्छा है, जिसमें कुछ ना कुछ बेहतर विकल्प आपको करियर में आपके बिजनेस के सुधार की ओर ले जाएं, ये अच्छी बात है जी। और जून 2021 से हालात और बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात। तो पहले अपने बिजनेस की ओर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए और मकान भी बन जाएगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन बन जाएगा जी। तो 4-5 महीने में सुधार और आ जाएगा, सुधार का समय चल रहा है, आप महसूस भी कर रहे होंगे, आगे मकान भी आपका अपना हो जाएगा। लेकिन अभी जो काम में सुधार हो रहा है उस पर थोड़ा सा आप अपनी तरफ से और ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वक्त बिजनेस में आपका साथ दे रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और अब जानेंगे तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा है आज का दिन, कितना आपका साथ दे रहा है और उसका साथ देने के लिए आपको क्या करना है, किससे बचना है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है, कामकाज से भी आपको इस तरह की प्रेरणा मिल रही है कि आप अपने लाभ को बढ़ा सकें, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने आपका पूरा साथ निभाया। क्या करना चाहिए, समय बदलता हुआ समय है, इसलिए थोड़ा सा संभलना होगा। पैसे से जुड़े फैसलों में आपकी लापरवाही बढ़ सकती है, इसलिए ऐसे बनते हुए हालात की ओर नजर रखनी होगी जो आपकी जिंदगी की दिशा को बदल रहा है। क्या ना करें, इस समय में मुश्किलें भी हैं और रोजमर्रा की परेशानियां भी बनी रह सकती हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि किसी विचार विमर्श की वजह से कोई ना कोई बहस छिड़ी रहे, इसलिए हर फैसला अपनी क्षमताओं के आधार पर ही करना होगा आपको। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज की स्थिति मजबूत है और आपके लिए बड़ी सफलता के योग बना हुआ है। कई अच्छे विकल्प भी हैं आपके सामने जो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। हालात इसलिए भी मददगार हैं क्योंकि आपने अपनी कोशिशों को सही रूप से बनाए रखा है। क्या करना चाहिए, समय में बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ पा लेने का समय। नए उभरते हुए विकल्प आपके लिए जिंदगी के नए आयाम खोल सकते हैं, ऐसे में अपनी अच्छाई और अपनी विनम्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें, समय में जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें कोई ना कोई मुश्किलें बनी रहें, ऐसा हो सकता है, उन मुश्किलों को संभालते हुए आपको नई दिशाओं को भी टटोलना है ताकि अतीत से बंधी हुई बेड़ियां आपको आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना पैदा करती चली जाए। अगर गुजरा हुआ समय आपको किसी भी तरह से रोक रहा है आगे बढ़ने में, ये मत कीजिएगा, आगे बढ़ना है। पुरानी चीजें हैं, उन्हें भूलते, उन्हें पीछे छोड़ते हुए हमें भी आगे बढ़ना है। धनु और मकर राशि अब आपके बारे में जानना है ज्योतिष गुरु से कि कैसा है आपके लिए आज का दिन और क्या करें क्या ना करें। धनु राशि वालों के हालात भी मददगार हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। ये और बात है कि आपके अपने व्यवहार में कमी आती चली जा रही है, या तो आप बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं या कुछ गलत ही सोच रहे हैं। क्या करना चाहिए, समय में कोई भी ऐसा विचार ना बनाए जो आपके नुकसान का कारण बन जाए, इसलिए ऐसा सोचने से बचना होगा कि सब कुछ आसान। पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठिन फैसले भी करने पड़ सकते हैं। क्या ना करें, समय में लोगों की आपको हर तरह से मदद मिली हुई है, इसलिए उन लोगों पर शक न करें जो आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय है क्योंकि हर तरह की रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। लोग भी शायद आपको किसी न किसी तरह की आलोचनात्मक नजर से देखते चले जाएं, ऐसे में ही मुश्किलें पैदा होती हैं। क्या करना चाहिए, समय में आपकी कोशिशें अच्छी हैं पर उन कोशिशों का अच्छा फल मिलने में कमी रह सकती है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है।
जल्दबाजी में अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस समय में, सेहत भी एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर लापरवाही नजर आ रही है। अगर सेहत से जुड़ी कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो गलती ना कर जाए। अपनी सूझबूझ के खिलाफ चलकर कोई कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने का समय है, इसलिए अपनों के लिए वक्त निकालना होगा। ऐसे में रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय? पैसे की स्थिति मददगार, इस वजह से क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। ये और बात है कि आपकी जरूरतें बढ़ती चली जाएं, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में, किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी अच्छी भली स्थिति को कमी की नजर से ना देखें। वैसे भी शक करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी रोजमर्रा की रुकावटों को बढ़ाता चला जाए। मीन राशि वालों की सेहत ठीक है, पर रोजमर्रा की परेशानियां बनी रहे, ऐसा हो सकता है। अपनी सेहत से ज्यादा अपनों की सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। इस वजह से रिश्तों से जुड़ी स्थिति भी मुश्किलें दिखा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी इच्छाएं बहुत हैं, पर हालात चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाएं और सही समय का इंतजार कर लें। वक्त अपनी ही रफ्तार से चलता है और आपको भी ऐसे में वक्त से समझौता करना पड़ सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपनों के प्रति कोई ऐसी भावना न रखें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए, इसलिए किसी को भी नाराज न करते चले जाएं। जिंदगी की उस अच्छाई की ओर जरूर देखें जिसके चलते आपके लिए कोई कमी नहीं है, इसलिए सिर्फ हालात से उम्मीद ना लगाएं, अपनी कोशिशों को भी सही दिशा दे लें। देखिए, हालात ही सब कुछ ठीक नहीं करने वाले, अपनी तरफ से भी अपनी कोशिशें करनी होंगी, कोशिशों को बढ़ाना होगा आपको। हमें सवाल लेना होगा, आखिरी सवाल है। आशीष राणा का सवाल है, 30/8/2000 बर्थ टाइम है 8:55 सुबह का, और फतेहपुर जिले कांगड़ा हिमाचल में इनका जन्म हुआ है, कांगड़ा जिले में फतेहपुर में। जॉब कब तक मिलेगी, क्या करें उसके लिए? आशीष, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और सिंह राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है केतु की February 2020 तक। कब तक जॉब लगेगी ये सवाल आपने पूछा है। अभी 19 वर्ष की आपकी आयु है, आपकी तैयारी आपकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं है, कुंडली भी ऐसा कहती है, लेकिन उसमें सुधार हो सकता है जी March 2020 से। तो पहले अपनी पढ़ाई में अपनी लगन को बढ़ाएं March 2020 से, ताकि आप खुद को किसी जॉब के लिए किसी कैरियर के लिए तैयार कर सकें। ये सारी विद्या जो है ज्योतिष की, ये मार्गदर्शन के लिए है, इसलिए इस समय इस मार्गदर्शन को ले लें, समझ लें और फिर उससे फ़ायदा उठा लें। तो आपने पूछा था कि जॉब कब तक मिलेगी, तो जॉब तब मिलेगी, आपने पूछा था जॉब कब तक मिलेगी और आप क्या करें, तो आप करें ये कि अभी पढ़ाई कर लें, पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान दें। अगर पढ़ाई मुकम्मल की आपने इस समय, तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, अच्छी मिलेगी, समझिए पढ़ाई जरूरी है इस समय। ज्योतिष कोई चमत्कार की विद्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम भी, और अब जान लेते हैं ज्योतिष गुरु से कि वो कौन सी राशि है जिसका नाम अब जैकपॉट में भी खुलने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी गलतियों से भी बचना है और लोगों के विचारों को भी समझना है, क्योंकि कोई भी चीज अगर लोगों से तालमेल में कोई कमी लाएगी तो उसमें बहुत हद तक आपकी भी गलती होगी। अपने विचार भी इस रूप से ना बनाएं कि लोग आपसे दूरियां बनाते चले जाएं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, याद रखिए अपने वक्त को बहुत प्यार कीजिए, जो पल आपके सामने है उसे पूरी शिद्दत से जीने की, पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश कीजिए, वैसी जिंदगी आपको जरूर मिलेगी, यकीनन मिलेगी जैसी आप पाना चाहते हैं। अगर कहीं कोई मुश्किल आ रही है तो आईडी है उसके लिए आपके तारे @aajtak.com, लिख भेजिए सवाल, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।